इस न्यूज के प्रायोजक हैं अबजान जूस एंड फालूदा, पेंटर चौक, बीजापुर वे, सोलापुर। आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर में बीते 24 अप्रैल 2024 की शाम कांग्रेस उम्मीदवार आमदार परिणीताई शिंदे के प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल जी गांधी ने जनता को संबोधित किया, जहां इस स्टेज पर अल्पसंख्यक समाज को जगह न दिए जाने को लेकर गलत अफवाहें उठने लगी और कांग्रेस अल्पसंख्यक अध्यक्ष जुबैर कुरैशी नाराज चल रहे हैं। ऐसी बात सामने आते ही आज गुरुवार 25 अप्रैल 2024 को खुद जुबैर कुरैशी ने पत्रकार परिषद लेकर साफ कहा है कि वे कल भी कांग्रेस के थे और आखिरी तक कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करेंगे, हमारे में कोई नाराजगी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सोलापुर माइनॉरिटी अध्यक्ष जुबैर कुरैशी। कल जो तेज़ी से बातमी फैली लोक प्रधान के न्यूज़ पर कि जुबैर कुरैशी नाराज है बोलकर, ये बातमी सरासरी गलत है। मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं था। कल जो हमारे राहुल जी गांधी आए थे तो वहाँ पर हम सब लोग, हमारे अल्पसंख्यक के सब टीम और हमारे जिम्मेदारान मोहल्ले के सब लेकर जाने के बाद उधर पर जो है ना, अब सब बड़े बड़े, मेरे से भी बड़े तो ये मेरे दोस्त भी थे उसमें और हमारे चाचा की उम्र के भी लोग थे, तो लोगों को छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लगा स्टेज पर। हालांकि मेरे पास पास था, स्टेज का पास था और राहुल जी गांधी के स्वागत के लिए ठहरने का भी पास था मेरे पास, तो मैं इसलिए नहीं गया कि मेरे साथ में जिम्मेदार लोग थे, मेरे से बड़े थे, मैं इसलिए नहीं गया। वैसा तो कोई नाराज़गी की बात नहीं है। हम अभी से नहीं, 20 साल से काम कर रहे हैं शहर सोलापुर के अंदर परिणीताई का हम, और हमेशा उनका ही काम करेंगे, मरते दम तक हम उनका काम करेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमको नाराज़ होने की, ये नहीं है, वो हमारा घर है, हम घर में नाराज़गी कभी होती नहीं है हमारे, हम सबको ले को चलते, हमारे को उन्होंने संभाल को लेते, हर चीज़ की इज्जत देते, हर चीज़ में हमारे को मिलाकर लेकर चलते, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे तो कुछ गलत अफवाहों पर मत जाओ, सब लोग मिलकर एक साथ काम करें। इस बार जो है ये इलेक्शन के मौके पर ऐसे अफवाहें उड़ते रहती है, ये अफवाहों को ना देखते हुए सब लोग अपने काम पर लगे, इसमें ऐसी कोई सी बुरी बात नहीं है, नाराज़गी की तो कोई भी बात नहीं है। स्टेज पर मुसलमानों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला ऐसा कहा जा रहा है, मतलब ठीक है तुमको पास मिला ये बात सही है, लेकिन और कोई तो बड़े जिम्मेदारान जो बुजुर्ग जो है, अब तुम जैसे धड़ाधड़ कार्य करते हैं, तुमको एक्चुअल फील्ड वर्क करना पड़ता, तो जो बुजुर्ग जो है जिसको अपना समाज मानता है उन लोगों को तो बताना चाहना, ऐसी उम्मीद है सोलापुर का। सोलापुर के अंदर देखे तो स्टेज के अंदर माइनॉरिटी के कोई भी नहीं करके बता रहे, दो लोग थे, एक थे बाबा मिस्त्री जो आमदार इलेक्शन लड़ चुके हैं, फिर दूसरे थे अपने अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष, माजी जिला अध्यक्ष अशफाक बलूलगी, दो लोग थे स्टेज के ऊपर। मतलब मुसलमानों को स्टेज पर सही प्रतिनिधित्व मिला ऐसा कहना है? फिर स्टेज पर थे ना तो फिर मिलेंगे इतना। राम सातपुते जो है मस्जिदों में डायरेक्टर फतवे दिए जा रहे हैं, ऐसा उनका क्या कहेंगे? अब ये तो खोटा आरोप है, ये एक तरफ का कैसा है, ये किधर से भी टारगेट बनाकर ही लोग काम कर रहे हैं कि हिंदू वोट हमको मिलना है, वैसा कुछ भी नहीं है। मस्जिदों का अलग घर है, वहाँ नमाज की जगह है, कुरान शरीफ पढ़ाते हैं, बाकी कोई दुनियादारी की बात करने का हुक्म नहीं है मस्जिद के अंदर। मस्जिद में